पहले कूलिंग कॉइल खोलने के लिए आपको एक स्क्रू ये है, एक ये दो, एक तीन, एक चार और एक ये रही पांच और एक छह, एक सात, एक पीछे साइड रहेगी, आठ स्क्रू है लगभग टोटल, सात आठ स्क्रू है टोटल। हीटर कॉइल को थोड़ा खोल के इसको यहाँ से ऊपर ले लेने का ताकि ये बॉडी इजिली अपना निकल जाए, थोड़ा पीछे साइड ले करके इजिली निकल जाए। फिर हम इसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसको खोल रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये हीटर कॉइल लग रहा है। थोड़ा इसको कटाना पड़ेगा आपको। यहाँ आप देख रहे हैं ये हीटर कॉइल लग रहा है, इसकी वजह से ये इजीली निकल नहीं रहा है, तो हमको इसको ऊपर लेके थोड़ा उस साइड लेना पड़ेगा ताकि इजीली निकल जाए। देख रहे हैं तो पीछे का कवर इजीली पूरा निकल गया। अब ये रही कूलिंग कॉइल, हम इसको बाहर निकालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसको बाहर निकाल चुके हैं और लीकेज आपके सामने दिख रहा है। ये देखो, यहाँ से लीकेज हो गया, गीला हो गया, पूरा पूरा गीला हो गया है। यहाँ से मतलब लीक हो चुका है ये। तो अब इसमें नया इवापोरेटर कॉइल डालेंगे। आपको नया इवापोरेटर कॉइल दिखा देता हूँ। ये रही नया इवापोरेटर कॉइल, ये वाली जो कि कंपनी से परचेज किया है हमने। ये रही नया इवापोरेटर कॉइल और ये जूनी है। अब हम इसको फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद फिर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कूलिंग कॉइल यानी इवापोरेटर कॉइल इसमें इसके कंट्रोल यूनिट में, एसी कंट्रोल यूनिट में बैठा चुके हैं हम इसको। अब इसका ऊपर का कवर। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको फिट कर चुका। ये जो बॉडी है इसको प्रॉपर फिट होना मांगता है। ये देख रहे हैं आप, ये कैप पूरा लेबल में आना मांगता है। अगर गैप लेबल में नहीं आएगा तो एयर यहाँ से लीक होने लगेगा, ये सब साइड से लीक होने लगेगा। खुल तो ईजिली जाता है लेकिन बैठाने टाइम ये थोड़ा तकलीफ देता है, इसकी वजह से आपको देख के बैठाना पड़ेगा, अच्छा से प्रॉपर बैठ जाना चाहिए। चलो अब इसकी सभी स्क्रू लगा देते हैं, फिर स्क्रू लगाने के बाद आपको फिर दिखाते हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको प्रॉपर फिट कर चुका। ये जो गैप दिख रही है सब बराबर बैठ चुका है, आप देख रहे हैं सब बराबर बैठ चुका है। और ये हीटर का ये जो निकाला था ये भी बैठा दिया हूँ, सब प्रॉपर हो चुका है। स्क्रू आप देख लीजिएगा एक बार, प्रॉपर तरीके से बैठ जाना चाहिए नहीं तो बाद में तकलीफ काफ़ी को देगा। आप देख रहे हैं सब प्रॉपर फिट हो चुका है। अब हम इसको डैशबोर्ड को फिटिंग करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने डैशबोर्ड डाल दिया है, इसके खांचे पे फिटिंग करने जा रहा हूँ। आप जैसा देख रहे हैं डैशबोर्ड डल चुकी है। अब हम सब सॉकेट वगैरह बोल्ट वगैरह फिटिंग करेंगे। ये देखो बोल्ट वगैरह सब फिटिंग करेंगे और फिटिंग करने के बाद फिर हम आपको बाहर का फिटिंग करके दिखाएंगे। और एक चीज़ बताना आपको भूल गया था, ये GPS ट्रैकर है जिसके जरिए आपकी गाड़ी अगर चोरी हो जाती है या फिर कोई लेके जाता है या झूठ बोलता है आपको कि मैं भाई फलां जगह हूँ, तो आप इसके जरिए आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है। ये आउटसाइड फिटेड है, कंपनी की दी फिटेड नहीं है। इसके अंदर एक सिम कार्ड लगती है, वो खोल के दिखा देता हूँ आपको। नहीं रहा है जल्दी, इसको हम नीचे रख देते हैं थोड़ा सपोर्ट के लिए और ये नाखून से आसानी से खुल जाता है। ये देखिए आप, इसके अंदर सिम कार्ड दिया हुआ है जो कि आसानी से आप इसमें सिम कार्ड डाल देंगे तो ये आपको इसके अंदर बारकोड रहता है, ये बारकोड से आपको इसके अंदर के एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा। डालने के बाद ये आपको बताएगा गाड़ी आपकी कहाँ है नहीं है सब बताएगा। ये कंटिन्यूसली चालू रहता है, 24 आवर्स चालू रहता है। चलो हम आप आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने स्टेयरिंग रैक को बैठा दिया है, यानी स्टेयरिंग जहाँ से खोले थे हमने वहाँ पे बैठा दिया है उसके ज्वाइंट में। ये इजीली बैठ जाता है आसानी से, इसको आप ऐसे भी खोल सकते हैं, खोल दिया मैंने। और इसको ये जो है इसका ऊपर नीचे होता है, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम दिया है। उसके बाद इसके खांचे पे जैसे ही खोला था आप स्टेयरिंग, वैसे ही आप इसमें डालेंगे तो डालने के बाद थोड़ा हिला के बस अंदर आराम से इजीली चले जाता है। उसके बाद ये रही 10 नंबर,
ये सब सॉकेट वगैरह हम लगाएंगे, लगा के फिर आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सॉकेट वगैरह सब लगा चुका है, ये 10 नंबर सब लगा चुके हैं, स्टेयरिंग की ये भी लगा चुके हैं, हम सब फिट कर चुके हैं, ये सॉकेट भी लगा चुके हैं, अब गियर बॉक्स भी फिट कर चुके हैं, हम एयर बैग मॉड्यूल की सॉकेट भी लगा चुके हैं, इस साइड का भी सब फिटिंग हो चुका लगभग। अब हम कंसोल बॉक्स को फिटिंग करके, जैसा कि आप देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट से जो डक्टिंग निकाला है हम उसको बैठा दिए, ये दो क्लिप निकाले थे, ये दोनों क्लिप बैठा दिए, फिर इसके ऊपर हम कंसोल बॉक्स डालते हैं। फिर हेलो दोस्तों, जैसे मैंने कंसोल बॉक्स वगैरह सब फिटिंग कर दिया, गाड़ी लगभग पूरी फिटिंग हो चुकी है, आप देख रहे हैं पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है, सिर्फ ये पैनल लगाना बाकी रहा, बाकी ऑलरेडी सब फिट हो चुका है, आप देख लीजिए। अब हम जा रहे हैं बाहर जो वाइपर का जो ये खोले थे उसको फिटिंग करने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 12 नंबर यहाँ का खोल रहा हूँ, खोला था ये दो, ये फिटिंग कर देता हूँ, उसके बाद ये कॉल पैनल वगैरह वाइपर वगैरह सब फिटिंग कर दे रहा हूँ, और उसके बाद ये जो एक लिंक ऑयल का पाइप लाइन एक्सटेंशन वाल के पास खोला था, दो 10 नंबर बड़े बड़े बोल कहते हैं, और ये हीटर पाइप का, ये दोनों पाइप फिटिंग करके फिर हम आपको दिखा। हेलो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं मैंने 12 नंबर फिट कर चुका है, ये इवेपोरेटर का लाइन भी फिट कर चुका हूँ, हीटर का भी पाइप फिट कर चुका हूँ, सब ऑलरेडी फिट कर चुका हूँ। अब हम इसको जा रहे हैं इसका कॉल पैनल लगा देंगे, फिर गैस चार्जिंग वैक्यूम वगैरह करके फिर आपको कूलिंग टेम्परेचर इसका बताएंगे। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं सब फिट कर चुका हूँ, इसमें सिर्फ वाइपर का कैप लगाना बाकी रह गया था, कैप भी लगा देता हूँ, सब फिट हो चुका है। अब बैटरी की वायर लगाना बाकी रह गया है, बैटरी की वायर भी लगा दे रहा हूँ और इसको टाइट कर देता हूँ 10 नंबर से। फिर आगे हम अब इसको डायरेक्ट, गाड़ी अंदर भी पूरी फिट हो चुकी है, सब फिट हो चुका है, अब हम इसको गैस चार्जिंग के लिए लेके जाएंगे, सबसे पहले वैक्यूम करेंगे फिर गैस चार्जिंग करके फिर आपको दिखाएंगे। देख रहे हैं मैं सक्शन और डिस्चार्ज कोड लगा दिया हूँ और इसको वैक्यूम में लगाने जा रहा हूँ। वैक्यूम 15 मिनट के लिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमको लीक टेस्ट भी करना है, जब 15 मिनट बाद फिर हम मिलते हैं। वैक्यूम चालू हो गया 15 मिनट बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं 15 मिनट हो चुका है, अब हम इसको गैस चार्जिंग में लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा ऑयल मारेंगे, ऑयल यहाँ दिया है, ऑयल गया थोड़ा सा, अब हम इसको गैस मारेंगे, 400 ग्राम गैस मारते हैं, गैस चला गया इसमें। फाइनली हम गाड़ी को अंदर से फिटिंग कर चुके हैं, अब हम इसको चालू करने जा रहे हैं। गाड़ी चालू हो चुकी है, देख रहे हैं गाड़ी चालू हो चुकी है प्रॉपर, ना ही कोई चेक इंजन लाइट आ रहा है, कोई भी लाइट नहीं आ रही है। अब हम एसी चालू करते हैं, एसी चालू हो चुका है, अब हम इसका कूलिंग चेक करके आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं एसी चालू है और ब्लोअर की स्पीड मैं 2 पे रखा हूँ और कूलिंग टेम्परेचर देखिए 6.1 पे आ चुका है और भी नीचे आएगा। इसका सिस्टम प्रॉपर, सब ऑल सिस्टम प्रॉपर हो चुका है, अगर आपकी भी इलाइट i20 है तो कूलिंग टेम्परेचर लगभग 5-6 तक आना चाहिए, तभी सिस्टम आपका प्रॉपर चल रहा है। हेलो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज कृपया करके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़े रहें।